क्या शिवसेना को कोई अनहोनी का डर सता रहा है? सरकार गठन में देरी से बढ़ रही है शिवसेना की धड़कन। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बात बनने के शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के दावों के बावजूद असमंजस की स्थिति बरकरार है। खबरों की माने तो शिवसेना को समर्थन देने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही सब कुछ साफ होगा। लेकिन सरकार गठन में हो रही देरी से शिवसेना कैंप की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। असल में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कह दिया कि जब तक गठबंधन को पार्टी हाईकमान की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक शिवसेना के साथ किसी ज्वाइंट डेलीगेशन का हिस्सा बनना ठीक नहीं होगा। अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही शिवसेना ने बीजेपी और एनडीए को छोड़ उस कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसकी विचारधारा कई मामलों पर उससे काफी अलग है। इसी से समझा जा सकता है कि कट्टर हिंदुत्व की पैरोकार शिवसेना ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है। अगर इतना जोखिम उठाने के बाद भी बात नहीं बनती तो शिवसेना सबसे बड़े लूजर के तौर पर उभरेगी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान अभी शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर हिचकिचा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राज्य में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर सोनिया गांधी सकारात्मक नहीं है। इसके लिए कांग्रेस की सेकुलर और शिवसेना की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि आड़े आ रही है। कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि राज्य के अधिकतर नेता सरकार गठन के पक्षधर है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए हिचकिचा रहा है। नई सरकार का भविष्य अब सोनिया और पवार की बैठक पर टिका है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि बैठक में कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर कांग्रेस एनसीपी के नेता कार्यकर्ता शिवसेना के साथ दोस्ताना दिखाने का कोई मौका नहीं खो रहे हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की फाइनल स्क्रिप्ट दिल्ली में अगले एक दो दिन में लिखी जाएगी। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि सोनिया से पहले पवार की अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के अहम नेताओं से मुलाकात होनी है। जानकारों की माने तो अगर सोनिया और पवार की बैठक में बात नहीं बनी तो फिर शिवसेना के सामने दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, और यही वजह है कि शिवसेना की धड़कनें बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।